अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम WhatsApp के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका मुझे ख़ुद भी बहुत इंतज़ार था। इस फीचर पे आप WhatsApp पे एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसके मेंबर्स एक दूसरे की डिटेल्स नहीं देख सकेंगे। अब मेंबर्स सिर्फ ये देख सकते हैं कि इस ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते हैं कि ये मेंबर्स कौन कौन है, और ना ही उनके नंबर दूसरे मेंबर्स को शो होंगे। सबसे पहले आप सिंपल ग्रुप बनाओगे जैसे पहले बनता था, कोई भी एक मेंबर ऐड करोगे या अपना कोई दूसरा नंबर ऐड करोगे या अपने किसी दोस्त का नंबर ऐड करोगे। जैसे ये मेरे दोस्त के नंबर से, तो इनमें से मैं किसी एक नंबर को ऐड करूँगा, जेड को मैं ऐड करता हूँ। फिर यस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ग्रुप का नाम दिया एजुकेशन इन कराची और ग्रुप बना दिया। ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में आपने किसी भी और मेंबर को ऐड नहीं करना है, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा। अब आप ग्रुप की डिटेल्स में जाओगे, यहाँ पे नीचे कम्युनिटी बनाओगे, स्टार्ट अ कम्युनिटी लिखा हुआ है, ये रहा स्टार्ट अ कम्युनिटी, इस पर क्लिक करोगे, कम्युनिटी नेम लिखोगे, आप अपने ग्रुप का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन इन कराची। और फिर यस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक पे क्लिक करोगे, इस तरह कम्युनिटी बन जाएगी। अब ये कम्युनिटी है, ये भी ग्रुप की तरह होती है। इसमें एक कम्युनिटी है जिसको मैंने एजुकेशन इन कराची ग्रुप का नाम दिया है, और एक एजुकेशन इन कराची ग्रुप है। जो एजुकेशन इन कराची है, इसमें आपने किसी भी मेंबर को ऐड नहीं करना है। आप कम्युनिटी में मेंबर्स को ऐड करोगे, ये कम्युनिटी है, इसके डिटेल्स में आप जाओगे, यहाँ पे नीचे आप डायरेक्ट भी किसी को ऐड कर सकते हो ऐड पार्टिसिपेंट्स के ज़रिए, जैसे ग्रुप्स में होता है, और लिंक के ज़रिए भी ऐड कर सकते हो। आप किसी को लिंक भेजोगे या कहीं पे शेयर करोगे, और वो मेंबर्स लिंक के ज़रिए एक कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। इस तरह लिंक कॉपी करोगे या डायरेक्ट किसी को व्हाट्सएप पे भेजोगे, अगर कहीं पे पोस्ट करना है फेसबुक वगैरह पे तो आप कॉपी करोगे। मैंने लिंक कॉपी करके अपने एक दोस्त को सेंड किया, यहाँ से सेंड हो गया। अब मैं दोस्त की आईडी से ये ग्रुप ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा। अब ये मेरे दोस्त का मोबाइल है, इसको मैंने ये लिंक सेंड किया है अपने ग्रुप का, यहाँ से मैं इसके मोबाइल से मैं ये ग्रुप ज्वाइन करूँगा। लिंक पे क्लिक किया, ज्वाइन ग्रुप, दो पार्टिसिपेंट्स थे पहले ग्रुप में, एक एडमिन था, एक मैंने आपके सामने जेड नेम का बंदा ऐड किया था, अब तीन हो गए। कौन कौन है? एडमिन है, एक जेड नंबर है, एक जे नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो शो हो रहे हैं। जो तीसरा पार्टिसिपेंट है यानी कि मेंबर है इस ग्रुप का, वो मुझे शो नहीं हो रहा है। इसी तरह जो भी इस ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनको इस तरह सिर्फ एडमिन का नंबर शो होगा और अपना शो होगा, इसके अलावा जितने भी मेंबर्स है ग्रुप में किसी का भी नंबर या नेम शो नहीं होगा।